नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी। आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ, और आज हम बात करने वाले हैं राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस की कुछ महत्वपूर्ण बुक्स के बारे में। और ये बुक्स UGC, नेट, सेट, GRF, फर्स्ट ग्रेड हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये सभी किताबें काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। देखिए, जहाँ तक फर्स्ट ग्रेड की अगर मैं बात करूँ RPSC के द्वारा, तो जो भी विद्यार्थी हैं तो उसमें फर्स्ट ग्रेड की अभी वैकेंसी आएगी और लगभग 4-5 महीने का तो समय लगेगा एग्ज़ाम में। तो इसलिए आप इन सभी किताबों को अच्छे से पढ़िएगा। और जो UGC नेट के विद्यार्थी हैं, उन्होंने मास्टर डिग्री वगैरह कर रखा है या पहले भी एग्ज़ाम दिया होगा या फर्स्ट बार दे रहे हैं, तो अगर पहले से ये बुक्स उन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखी है तो ठीक है। इस समय ज़्यादा डिटेल में किताबों को पढ़ने की बजाय एक दो गाइड है, वो मैं आपको इसमें नाम बता दूंगा, तो आप उनको देख सकते हैं, क्योंकि लगभग अब 50 दिन के आसपास का समय बचा है और इतने समय में इन किताबों को डिटेल में पढ़ना, क्योंकि नेट में 3 पेपर हैं। जो फर्स्ट पेपर है उसको भी हमें समय देना पड़ेगा, सेकंड और थर्ड पेपर हैं, तो इसलिए इतना समय नहीं है अब कि एक एक किताबों को डिटेल में पढ़ा जाए। अब बाकी जो नेट का एग्ज़ाम बाद में होगा, जो विद्यार्थी पहली बार दे रहे हैं या जो, तो देखिए बाद में जो एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए भी आप इन किताबों को फिर पढ़ सकते हैं डिटेल में। सबसे पहला है पॉलिटिकल थ्योरी, इसके लिए OP गवाई किताब पढ़ सकते हैं आप, बहुत अच्छी किताबें हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए DD बसु की, इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए VP दत्ता की, जयंत दीक्षित की, या इनके लिए जो मंथली जर्नल्स आते हैं वो देख सकते हैं आप। नेशनल मूवमेंट और इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, इग्नू के नोट्स हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं, आप ये पढ़ सकते हैं। वेस्टर्न थिंकर के लिए सुखबीर सिंह, इंडियन गवर्नमेंट या पॉलिटिक्स के लिए BL फड़िया की, बहुत अच्छी किताब है, फेमस किताब है, नारंगी है, वो पढ़ सकते हैं। ग्लोबलाइजिंग ऑफ द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये स्मिथ एंड बेली की किताब है। फिर स्पेशली जर्नल्स के लिए वर्ल्ड फोकस, आप बहुत अच्छी किताब है, इस वर्ल्ड फोकस को पढ़ सकते हैं। वर्ल्ड फोकस के साथ साथ आपका जो नॉलेज है वो भी बहुत इम्प्रूव होगा, क्योंकि ये वर्ल्ड फोकस की बहुत अच्छी न्यूज़ आती है, जो भी उसमें मैटर आता है भारत की विदेश नीति से संबंधित हुआ या और भी जो पॉलिसीज़ हैं, हर की जानकारी होती है उसमें। न्यूज़पेपर के लिए द हिंदू न्यूज़पेपर है, वो पढ़ सकते हैं। और आजकल नेट पे इतनी फैसिलिटी है कि न्यूज़पेपर आपको हिंदी के अंदर भी मिल जाएगा, हालांकि हिंदी में आता नहीं है, लेकिन काफ़ी और भी जैसे यूट्यूब चैनल वगैरह होते हैं वो हिंदू को हिंदी के अंदर ट्रांसलेट करके बताते हैं। और इसके अलावा और भी आप देख सकते हैं, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी जो हिंदी मीडियम में है। NCERT की जो बेसिक किताबें हैं वो पढ़ सकते हैं आप। पॉलिटिकल थ्योरी के लिए रे और भट्टाचार्य की किताब है, मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी SP वर्मा, इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत की, हमारी संसद सुभाष कश्यप, इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इसके लिए विपिन चंद्रा की। और UGC नेट के लिए जो अभी विद्यार्थी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो प्रतियोगिता साहित्य या अरियंत या ट्रूमैन, इनमें से कोई भी एक गाइड है वो ले सकते हैं। और देखिए, ये वो किताबें हैं जो काफ़ी लोकप्रिय है और हर विद्यार्थी इनको पढ़ता है। और इसके साथ ही अगर आपके पास पहले से इससे संबंधित कोई मटेरियल है तो आपको कोई ज़्यादा नया लेने की आवश्यकता नहीं है, वही पढ़ सकते हैं। बस मंथली अगर एग्ज़ाम है, भारत की विदेश नीति है या इससे संबंधित जो समसामयिक से संबंधित मैटर है, तो उसके लिए तो देखिए आपको लेना पड़ेगा मार्केट से। बाकी इसके अलावा जैसे कोई BL फड़िया की किताब है, अगर आपके पास पहले से है तो ऐसा कुछ नहीं है, आप वो पढ़ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, और ये कुछ महत्वपूर्ण बुक्स थी। फर्स्ट ग्रेड के जो विद्यार्थी हैं वो इन किताबों को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, 100% श्योर सिलेक्शन के लिए, बहुत अच्छी किताबें और यही किताबें हैं। सिलेक्शन होने का कोई राज ऐसा कुछ नहीं होता है,
यही किताबें होते हैं, जो सिलेक्शन होता है वो भी यही किताबें पढ़ता है, और जो नहीं होता वो भी ये पढ़ता है। फ़र्क सिर्फ पढ़ने का है। जिसका वाह उसने बहुत ही अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से इनको पढ़ा, और जिसका नहीं वाह उसने इन किताबों को अच्छे से नहीं पढ़ा। बुक्स ले दे के यही रहती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।